काल हो गया, तो अपने मार्च से चल रहा है कोरोना भीलवाड़ा में, और उसके बाद से धीरे 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 देख रहे हैं हम लोग कि मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। कारण बहुत सारे निकल के आ रहे हैं भाई। एक तो कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ या कोरोना का जो खौफ था, वो तो अब धीरे 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 थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी लोग बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए थे। फिर जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, कई जनों की नौकरियां चली गई, कईयों के जो है धंधे बंद हो गए या कम चलने लगे, उस वजह से भी पैसा कम होने की वजह से लोग तनाव में आए और धीरे धीरे हमारे यहाँ पे मानसिक रोगी बढ़ते चले गए। तो प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि कुछ बीमारियाँ हैं जो कि मानसिक रूप में बढ़ गई हैं। एंजाइटी आ गई, एंजाइटी लोगों को हो रही है, मानसिक मतलब डिप्रेशन में लोग आ रहे हैं, ओसीडी के मरीज बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव लोगों की मानसिकता पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और लोग इस सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे हैं या मतलब तारमताल नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वजह से मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास एवरेज 25-30 मरीज आते थे, जो कि अब आजकल 50-60 मरीज डेली में यहाँ 50-60 मरीज देख ही रहा हूँ। आत्महत्या का भी रेशो बढ़ा है, और जो कोरोना की मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से अभी अपने यहाँ पे भी भीलवाड़ा में भी अपने बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि कोरोना से डेथ बहुत हो रही थी, तो लोग वैसे बाजार में जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं, पर एक बार रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही तनाव में जाता है कि कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, कहीं मेरे को कुछ हो नहीं जाए। और तो उस वजह से अभी भी उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन तो पॉजिटिव आते ही एंजाइटी तो हो ही जाती है। दूसरा ये है कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, वो हैं तो वही है कि जहां वो काम करते थे, कई फैक्ट्रियों में मजदूर आधे कर दिए हैं, कई जगह पे तनख्वाहें कम कर दी गई हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वो पैसा नहीं होने की वजह से तनाव भी आ रहा है और कई लोग जो सहन नहीं कर पा रहे, और मनोचिकित्सक के पास आने में लोग घबराते हैं। आज भी लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन आजकल अभी भी ये देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग ही हमारे पास आने पे घबरा रहे हैं, तो वो भी सोच इनको बदलनी पड़ेगी, तभी इनकी हम सहायता कर पाएंगे। क्या बचाव को क्या घर पे भी कैसे करवा, तो स्ट्रेस कम कर सकते हैं? एक तो परिवार के बीच में रहें और बातचीत परिवार के बीच में चलती रहनी चाहिए। अगर आप कोई परेशानी में है तो परेशानियों को शेयर करें, अंदर ही अंदर घुटे नहीं। रोज एक एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योग का भी बहुत अच्छा उसमें महत्व होता है, और अगर आपको कोई हॉबीज़ हैं जो, तो उनको डेवलप करने की कोशिश करें। तनाव ज़िंदगी में आता रहेगा, जब तक जीवित हैं जब तक तनाव रहेगा, लेकिन हमें तनाव से लड़ने के तरीके आने चाहिए। तो लड़ने का क्या तरीका है कि तनाव के अंदर हम अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, है ना, तो योग से कर सकते हैं, अच्छी अपने परिवार जनों के सपोर्ट से तनाव दूर हो सकता है। तो अपनी बात, अगर आपको कोई तनाव है तो अपनी बात कहना सीखें, और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तनाव को हैंडल, तो मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें।